हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक वेज मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनाने में बहुत मज़ेदार है और खाने में भी बहुत डिलीशियस है। यहाँ मैंने एक बॉईल ले लिया है जिसके अंदर मैं एक कप मैक्रोनी डाल के बॉईल कर रही हूँ। इसमें मैं एक टेबलस्पून नमक डालूँगी और एक दो टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना बॉयल होते हुए और ये खिली खिली सी बॉयल हो। मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। आप अपने टाइम के अपने मैक्रोनी के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं कि जितनी देर में वो बॉईल हो जाए। यहाँ मैंने एक छोटा सा प्याज ले लिया है, स्मॉल सा, 2-4 लहसुन की चवे ले ली हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 कैरेट को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, 2 शिमला मिर्चों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने एक छोटा सा गोभी बंद गोभी का फूल ले लिया था जिसे मैंने कट कर लिया, और एक टमाटर कट किया है मैंने। इसमें आप अपने हिसाब से टमाटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने अपने हिसाब से ऑयल लिया है। आप चाहें तो 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर, जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 5 मिनट में या 2 मिनट में ही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है। या मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया है और मैंने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चों को चॉप करके डाल दिया है। यहाँ पे मैंने क्वार्टर टी स्पून मैंने यहाँ पे कुटी मिर्च ली हैं जो मैं टमाटर के ऊपर ही डाल रही हूँ, जो मैंने टमाटर एक कट करके रखा हुआ था, और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। अगर आपके पास वाइट पेपर हो तो आप इसमें 1/4 टीस्पून वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ नमक ले लिया है। मैं नमक इसमें और भी ऐड करूँगी, अभी मैं सिर्फ इसकी ग्रेवी में ये सब डाल रही हूँ, पेस्ट के अंदर जो मैं बना रही हूँ। और यहाँ देखें, ये मैंने टमाटर के साथ सारे स्पाइसेस डाल के इसको प्याज के साथ फ्राई करूँगी थोड़ा सा, ताकि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल चॉप तो किए हुए मैंने, लेकिन इसकी एक पेस्ट सी बन जाए और ये टमाटर सॉफ्ट भी हो जाए। और आप चाहें तो स्पाइसेस को बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ मैंने कुछ सॉसेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर चिली सोया सॉस ली है मैंने, यहाँ मैंने वर्स्टर सॉस ली है और साथ ही मैंने चिली सॉस ली है। आपके पास अगर हो तो ये आप ऐड कर दें, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, इससे बस फ्लेवर थोड़ा सा गेंस हो जाएगा। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं चिली सॉस डालूँगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें वॉस्टर सॉस डालूँगी। इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा चाइनीज़ स्पैगेटीज का, और इसमें थोड़ा चाइनीज़ वाला टेस्ट आ जाएगा आपको सॉसेस के साथ। और ये देखिए, हमारी सॉसेस इसमें चली गई हैं और ये ग्रेवी भी हमारी कितनी अच्छी से बन गई है। आप चाहें तो टमाटर की जगह टमाटो प्यूरी या टमाटो केचप भी डाल सकते हैं आप। और ये देखें, ये 1 कैरेट जो थी मैंने, जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा था, ये मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करूँगी मैं तमाम सब्जियों को, और 1-1 सेकंड के बाद इसमें डालती जाऊँगी। और मैं ज़्यादा पकाऊँगी नहीं, उससे ये होगा कि अगर ज़्यादा बनाऊँगी पकाऊँगी तो सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी, तो हमें अपनी थोड़ी क्रंची सी रखनी है, इसलिए बस मैं 1-1 सेकंड के बाद सब चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। सारी वेजिटेबल्स अब देखें, मैंने यहाँ पे इसमें बंद गोभी भी ऐड कर दिया है और बंद गोभी को भी मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी, और मेरे पास एक प्याज था, एक स्लाइस बचा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास अगर हरी प्याज हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब मैं इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए, देखिए मैंने पकाया, और मैं इसमें मैक्रोनी शामिल कर दूंगी। मैंने पॉट चेंज कर लिया था क्योंकि मेरा पॉट छोटा था, इसलिए मैंने इसको पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया, और अब मैं इसको मिक्सअप कर दूंगी 1-2 मिनट के लिए। और देखें हमारी मैक्रोनी कितनी अच्छी खिली खिली सी बनी है और कितनी नरम नरम सी हैं, और इसकी शक्ल देखें कितना अच्छा, हर सब्ज़ी का आपको कलर नज़र आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। और ऊपर से मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और हरा धनिया डाल दूँगी साथ ही। और आप इसको
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।